पर पवन जी देखिए, अब मेरे ख्याल से कांग्रेस के अंदर भी और कुछ ऐसे बयान भी आए हैं, ये भावना अब बहुत प्रबल होती जा रही है कि जब वो लोग इस तरह के बयान देते हैं, हम लोग तो कोई मानहानि का केस नहीं करते, हमारी तरफ से कोई बयान जाता है तो ये लोग फटाफट केस कर देते हैं। अब यही बयान ले लीजिए, घोड़ों और गधों वाला, या फिर आपका मसला देख लीजिए, आपका केस, आपने जो कहा उस पर भी केस हुआ, तो क्या अब कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के मानहानि के केस बीजेपी नेताओं पर किए जाएंगे? मैं एक बात बड़े भारी मन से आपको मानक जी बताऊंगा, जिस तरह से मीडिया स्वतंत्रता पूर्वक हम पर हमला बोलता था जब हम सत्ता में थे, क्या आज मीडिया उस स्वतंत्रता से, मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, उनके किसी मंत्री पर हमला बोल सकता है? नहीं बोलते। आप हां बोले या ना, मैं जानता हूं, आपके दर्शक जानते, नहीं बोल सकते। आज के बाद 2024 के बाद जो भी सरकार आएगी, हम पर दबाव हमारी पार्टी का होगा, हमारे वोटर का होगा कि साहब आप भी वही उसी भाषा में बात कीजिए जिस भाषा में मोदी जी और उनकी पार्टी आपके साथ करती। आज भी हमारे वर्कर्स का हम पर पूरा दबाव है कि साहब आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो इतनी गाली सुनकर। आज क्या हमें पीड़ा नहीं होती जब नेहरू जी के विषय में इस तरह की टिप्पणी की जाती है? अरे इस देश के पूर्वज हैं, इस देश के फाउंडिंग फादर हैं, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर। आपने सुना अमेरिका में कोई जॉर्ज वॉशिंगटन के खिलाफ एक शब्द बोल दे? आपने सुना नेल्सन मंडेला के खिलाफ कोई अफ्रीका में एक शब्द बोल दे? ये देश के महान लोग माने जाते हैं, ये इकलौता ऐसा देश है और ये इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने ही देश के पूर्वजों को विदेशों में जा जाकर गाली दे। पवन जी मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, अगर बीजेपी की तरफ से केस किए जा रहे हैं तो आपकी तरफ से केस क्यों नहीं होते? फिर केस का कोर्ट का फिर फैसला भी आ जाता है। बिल्कुल होंगे, हम तो केस भी करेंगे, हम इनकी भाषा में कई चीजें सीख भी रहे हैं। देखिए दुश्मन से सीखना चाहिए, खैर हम इन्हें दुश्मन तो नहीं मानते, राइवल हैं, प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी से भी सीखना चाहिए। अब हम कितना सीखेंगे इनसे और कितना उसको लागू करेंगे वो वक्त बताएगा, बहुत जल्दी बताएगा। आपका जो निजी तौर पर जो बयान था जिस पर आप पर भी कई मुकदमे हुए पवन जी, अब वो सारे के सारे केस शायद लखनऊ ट्रांसफर हो गए हैं, करीब आठ केस हैं शायद, जहां तक मेरी जानकारी है आठ केस हैं, तो वो क्योंकि सब ज्यूडिस है तो आप उस पर बोलते हैं या उस पर आप नहीं बोलना पसंद करते हैं फिलहाल उस केस पर? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ओके ऑलराइट, पवन खेड़ा जी टाइम खत्म हो गया मेरे पास, बहुत धन्यवाद, आपने खुलकर बात की राहुल गांधी पर, अपनी तपस्या पर।